ये नकरी से बनाया भी एक मुर्दे है जो 2000 साल की है। यहाँ पे कैमरा एक दो महीना नहीं, यहाँ पे 2000 साल हो गया अभी तो हुए। देखी अनजानी सी पगली सी दीवानी सी, जाने वो कैसी होगी रे। तो भाई लोग, आज आप लोगों को घुमाने वाला हूँ ओल्ड गोवा, यानी गोवा से ओल्ड गोवा लगभग 60 किलोमीटर दूर है। और तुम्हारा भाई 60 किलोमीटर दूर चल के आने के बाद आप लोगों को कुछ इंटरेस्टिंग फॉरेनर प्लेस यानी टूरिस्ट प्लेस दिखाने वाला है। और सारे भाई और बहनों, सारे दोस्त को वेलकम, स्वागत है हमारा न्यू एपिसोड में। अभी दिखाने वाला है, मैं भी नया हूँ तो धीरे धीरे सब कुछ दिखने को मिलेगा, आप लोगों को भी दिखाऊंगा। लेकिन मैं एक बात बोलूँ, ब्लॉग का सर के कभी मत जाना, क्योंकि मेरे पीछे जो भी देख रहे हैं ना, जंगल देख रहे हैं, लेकिन टूरिस्ट प्लेस में लेकर जा रहा हूँ। ओल्ड गोवा में कुछ हिस्टोरिकल मोमेंट है वो दिखाने के लिए यहाँ तक आया, तो ब्लॉग को एंड तक देख। तो भाई अभी भूख लगा हुआ है तो खाना ऑर्डर किया। तो भाई ने क्या ऑर्डर किया? पोटा भाजी। पोटा भाजी, तो यहाँ का खाना कुछ अलग होता है गोवा का खाना। पंजिम गोवा, तो यहाँ पर तो पहले पेट भर लेते हैं, उसके बाद ओल्ड गोवा चलेंगे। और ओल्ड गोवा में पंजिम है तो ओल्ड गोवा में जाएगा ना, ओल्ड गोवा में जितना भी दिखने को सीन मिलेगा ना सारे को दिखाऊंगा यार। वीडियो को एंड तक देखो, बहुत मज़ा आएगा। अभी फिलहाल पेट को भरा कुछ खा लेते हैं। तो फाइनली आ चुका है हमारा खाना। देखो यार, गोवा में भी क्या क्या चीज़ दिखने को मिलेगा। देखो ये है ओल्ड गोवा का एक मार्केट, यहाँ से कुछ सामान लेने के लिए मार्केट दिखने को मिलता है। देखो ढेर सारा है, जो चीज़ आपको पसंद है वो ले सकते हैं। भाई हम जा रहे हैं ओल्ड गोवा में, आया ना, इसमें क्या दिखने को मिलेगा एक हिस्टोरिकल चीज़ बताओ। हाँ, क्या दिखने को मिलेगा हम इसमें? सब मतलब चित्र है जो यीशु भगवान थे। हाँ, उनका जब कितना साल पहले मरा हुए? 2000 पहले का। 2000 साल हो गया अभी तो हुए, ठीक है, मतलब नहीं, वो तो पैक करके रखा है उसको। हाँ, पैक करके रखा, 2000 साल हो गया अभी तो पैक करके रखा, तो आप लोग को दिखाऊंगा। वीडियो पढ़ना अलाउ नहीं है, उसके बाद आप लोग के चुप चुप कर वीडियो करूंगा। क्या अभी मेला होगा, बहुत बड़ा मेला होगा, लेकिन अभी मेला खत्म हो गया, अभी दिखने को जा रहा हूँ, तो आप लोग वीडियो पर बना रहे। तो गाइस ये देखो ओल्ड गोवा की जो हिस्टोरिकल प्लेस है उनकी साइड देखो कितना भीड़, अभी 2-3 दिन पहले मेले खत्म हो गए। तो गाइस अभी एंट्री हो रहा है, तो यहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं है, जो भी होगा अंदर सब कुछ दिखाऊंगा। तो भाई मैंने पहले से बोल रहा हूँ, यहाँ पे कैमरा एक दो महीना नहीं, यहाँ पे जो फॉरेनर लोग आता है ना, यहाँ पे आते हैं और देखने के लिए आते हैं, सिर्फ 2000 साल की पुराना मुर्दे, 400 साल, यार क्या बोलूँ यार, जो फॉरेनर लोग आता है ना यहाँ पे आते हैं। लेकिन क्या बोलूँ, तुम्हारा भाई ना बहुत डेंजरस से वीडियो कर रहा है, लेकिन क्या बोलूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। तो गाइस बाहर का नज़ारा कुछ इस तरह का है, देख लो ये है बाहर का नज़ारा। तो भाई ये जो देख रहे हैं ना, ये लकड़ी से बनाया, लकड़ी से बनाया, सीमेंट से नहीं, सारे को लकड़ी से बनाया। तो गाइस आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं, ये जो है ना, ये ओल्ड गोवा, गोवा से 60 किलोमीटर दूर है, ये है ओल्ड गोवा। ओल्ड गोवा में ये एक दिखने का चीज़ है जो फॉरेनर लोग होते हैं यहाँ पर आकर ये देखते हैं भाई, ये देखते हैं, इतना दूर दूर से आकर ये देखते हैं भाई। यहाँ पे वीडियो तो अलाउड ही नहीं है, कैमरा भी अलाउड नहीं है, बातें करना भी अलाउड नहीं है, लेकिन तुम्हारा भाई, तुम लोग को क्या बोल भाई, तुम लोग के लिए भाई सारा कुछ करने के लिए पूरा रेडी। ये देखिए और एक देखने का, ये सो हिस्टोरिकल मोमेंट है यार।
तो भाई लोग देखिए मेरे पीछे का जो ये क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन भाई तुम्हारा भाई बहुत डेंजरस से वीडियो कर रहा है, अरे एक लाइक तो बन सकते हैं ना। तो कैसे यहाँ पे अलाउड नहीं है, कैमरा अलाउड एकदम बिल्कुल नहीं है, फिर भी तुम्हारा भाई बहुत डेंजरस से वीडियो कर रहा है। तो कैसे ये देखिए ड्रेस जो 2000 साल की पहले था, और ये देखिए यहाँ पे 2000 साल की पुराने मुर्दा अभी भी है, देख करके रखा। तो गाइस यहाँ पे भी एक मर्द है जो 2000 साल की है। तो गाइस जो ओल्ड गोवा का हिस्टोरिकल मोमेंट है वहाँ से हम निकला, और अभी दूसरे साइड पर जाने के लिए ट्राई करूँगा। तो यहाँ पे वीडियो शूट और कैमरा अलाउ नहीं है, उसके बाद भी आप लोग के लिए मैंने वीडियो किया। यहाँ पे ना दिन भर लाख लाख लोग आते हैं जाते हैं, जो फॉरेनर लोग होते हैं ना अभी आना बंद कर दिया क्योंकि कोरोना का सीज़न चल रहा है, तो इसलिए जो फॉरेनर लगे वहाँ यहाँ पे देख नहीं पाया, लेकिन बाकी जो टाइम है ना उन टाइम पे फॉरेनर लोग को देखने को मिलता है। देखो भाई कितने सारे लोग आ गया, पूरा दिन आने जाते करते हैं, और हम चलते हैं अभी सीधा दूसरे पर। तो गाइस मुझे पता नहीं आप लोगों को कैसा लगा वीडियो, लेकिन भाई मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को दिखाने के लिए ट्राई किया, लेकिन भाई क्या बोलूँ अंदर में ना मोबाइल तो ऑन करना नहीं चाहिए, इतना स्ट्रिक है, उसके बाद भी तुम्हारा भाई ना मोबाइल खींच कर वीडियो बनाया यार पूरा आप लोगों के लिए। तो भाई वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करो, और ये एपिसोड यहाँ तक खत्म हो गया, तो अभी नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों को वेट करना है, तो अभी चलूँगा सीधा दूसरे एपिसोड के लिए दूसरा प्लेस में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।